अजीज तलवा तालबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले 11वीं जमात में आपका इस्तकबाल किया जाता है उर्दू डिपार्टमेंट की जानिब से। अजीज तलबा तालबा, उर्दू डिपार्टमेंट में पढ़ाने वाले असातिज़ा अतीकी आमिर सर, फातिमा यूसुफ बाबा, अंसारी सुहेल अब, शाहिदा रियाज अब, मुंजरा में और इमरान सिद्दीकी से, लॉकडाउन होने की वजह से अभी मुश्तरक लेक्चर चलेंगे। बारी बारी इन असातिज़ा के लेक्चर व्हाट्सएप ग्रुप पे आएंगे अपनी क्लासेस के। आप तमाम असातिज़ा से फैज़याब हो और जो भी पढ़ाया जाए उसे अपनी कॉपी में दर्ज करें और सवाल जवाब की कॉपी शुरू से तैयार करते चले। जो भी मुश्किल आता है दौरान पढ़ाई, इन असातिज़ा से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अजीज तलबा, आइए आज हम उर्दू की अहमियत के बारे में तस्किरा करते हैं। आज तक हमने जो उर्दू पढ़ के आई है, हालांकि वो भी बेशबहा बहुत ही कीमती बहुत ही अहम चीजें हम पढ़ कर आए, लेकिन इसका खातिर ख्वा असर हमें समाज और माशरे में नजर नहीं आया। वह अखलाक, वो तहजीब, वो तमद्दुन, हमारी जबान की वजह से जो रहना चाहिए हमारे समाज में नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने उर्दू की अहमियत को जाना ही नहीं, उर्दू को समझा ही नहीं, उर्दू को हम उर्दू के साथ हमने सौतेला सलूक किया। इसको बस इम्तिहान में सवाल जवाब लिख कर पास हो जाना इस यहीं तक महदूद रखा, जबकि जबान हमारे कद को ऊंचा करती है, हमारे तमद्दुन, हमारी तहजीब की पहचान है। क्यों? क्योंकि इस जबान को उलमा इकराम ने अपनी तबलीग का जरिया बनाया और यह हमारी माधुरी जबान भी है। जिस जबान से हमने दीन को सीखा, जिस जबान से हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सीखा, आज इस जबान के साथ हमने वो सौतेला सुलूक कि हम उर्दू पढ़ते हुए भी उर्दू का सही इस्तेमाल नहीं करते, क्या बचे? क्या ये चीजें हमको आसानी से प्लेट में सजा कर मिल गई जिसकी अहमियत नहीं? अजीज तलबा हो तलबा, ये जबान आजादी में अहम रोल अदा की, अंग्रेजों के खेमे में खलबली मचा दी, हिंदुस्तानियों के दिलों में जोश और बलबला पैदा किया। वह वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और मजहब का हो, इसकी शायरी ने आजादी के लिए एक जबरदस्त और अहम रोल अदा किया। ये और बात है कि सरकारी तौर पर इस जबान को पसमानदा किया जा रहा है, इस जबान को दबाया जा रहा है और उसमें हम भी मरे पर सौ जोड़ रहे कि हम भी इस जबान के साथ सौतेला सलूक कर रहे हैं, हम भी इस जबान को परवान चढ़ाने के बजाय इसको और पीछे की जानिब ले जा रहे हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अंग्रेजी जबान, मराठी जबान, हिंदी जबान में पेपर रहते हैं, लेकिन उर्दू जबान में नहीं रहता, क्योंकि ये जबान को तो हमने ही छोड़ दिया। अजीज तलबा और तलबा, ये वो जबान है के जिसमें अल्लामा इकबाल का जोश और बलबला है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अल्लामा इकबाल को। अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को किस रूप में देखना चाहा,
अमर इकबाल ने नौजवानों को किस परिंदे से तशबीह दी? परिंदा है शाहीन, जिसे हम उकाब भी कहते हैं, ईगल। शाहीन एक परिंदा है, उससे हमें तशबीह, कौमी मुस्लिम को तशबीह दे रहे हैं। क्यों, वजह क्या है? अजीज तलवार साहब, वजह सिर्फ यही है, वो शाहीन परिंदा खुददार परिंदा है, इसलिए हमें भी खुददार बनने के लिए तरगीब दे रहे हैं। शाहीन परिंदा अपना बसेरा सबसे ऊंची चोटी पे करता है, किसी दूसरे का किया हुआ शिकार नहीं खाता, वो खुद अपना शिकार करता है। इसमें पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमानों, तुम भी खुददार बनो, अपना मकाम खुद पैदा करो, अपना शान दूसरे के ऊपर मत रखो, दूसरे के शाने पर अपना मुस्तकबिल मत रखो। वो जबान है जिसमें मौलाना हाली की तरबीज, मौलाना हाली ने इस जबान को मुकदमे शेर व शायरी जैसी तनकीदी किताब लिखकर और साफ किया। जबान में मौलाना अबुल कलाम की फहम फरासत पे देखिए, अल हलाल अल बलाग, ओबार खातिर और कुरान शरीफ की जो तफसीर उन्होंने की है, कोई मामूली बात नहीं है। जबान से लोगों ने अपने आप को बहुत ही और जिस सूरजियत तक पहुंच गए इस जबान की वजह, लेकिन आज हमने इस जबान को छोड़कर पस्ती में है। डाक के दयानत दारी देखो, डाक दहलवी, असद महानी की नकमगी देखो, उस जबान में अकबर की बजला समझी देखो, अकबर इलाहाबादी, मीर की गमखारी देखो, राहत इंदौरी, बशर फदी, फैज अहमद फैज, अख्तर सीरानी, मजरू सुल्तानपुरी, शाही लुधियानवी, इनकी नई जहद को देखो, चकबस्तों के हुब्बुल वतनी देखो, फिर कहीं जाके ये जबान हम तक पहुंची, इसकी शेरिंग हम तक पहुंची। अजीज तलबा और तलबा, इस जबान को लश्करी जबान भी कहा जाता है। क्यों, फौज की जबान क्यों कहते हैं? वजह यह है कि हिंदुस्तान में बहुत सारी फौजी जहाँ आकर हमलावर और यहीं आकर बस गए, वो अपने अपने साथ अपना तमद्दुन, अपनी तहजीब, अपनी जबानें लेकर आए, और हिंदुस्तान में भी पहले से बहुत सारी जबानें मौजूद थी, संस्कृत थी, वस्तु संस्कृत थी, बुद्ध मत के मानने वाले, जैन मत के मानने वाले अपने अपने जबानों के साथ यहाँ मौजूद थे। जब ये बाहर से आने वाले, कोई ईरान से आया बाहर से जबान लेकर, कोई अरब से आया अरबी जबान लेकर, कोई तुर्की से आया तुर्की जबान लेकर, जब ये तमाम जबानों का मिक्सचर हुआ, ये आपस में मदगम हुई, तो एक नई जबान उर्दू जबान तरबीज हुई, इसीलिए इसको लश्करी जबान, फौजी जबान भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने इस जबान को बहुत सहारा दिया, इस जबान को अमीर खुसरो की एक बड़ी देन है, वली ढकनी, सिराज औरंगाबादी ने इस जबान को अपने शाने पर लिए हुए आगे बढ़ाते रहे। अजीज तलबा और तलबा, 11वीं और 12वीं दो साल हमारे पास है इस जबान सीखने का, इसके बाद सब अपने अपने स्पेशलाइजेशन में चले जाएंगे। वहाँ ना कोई तुमको उर्दू बताएगा, ना कोई अखलाक सिखाएगा, बस आप होगे, आपका अखलाक होगा, और अखलाक उसी वक्त होगा जब आज तुम सीखोगे। प्रोफेशनल लाइफ में जब जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे कंपनी में, तो आपका अखलाक देखा जाएगा, आपकी जबान देखा जाएगा। इसलिए अजीज तलबा बड़ी संजीदगी के साथ उर्दू जबान को बरतिए, उर्दू जबान को सीखिए, और इसका असर समाज और मुआशरे में हर जगह मुस्बित नजर आना चाहिए, फिर हम जाते हैं कामयाब होंगे। इतनी बात कह कह मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और आइंदा अब आने वाला जो लेक्चर होगा, हम 11वीं जमात का आगाज हम दूसरे करेंगे इंशाअल्लाह।